नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे गोपाल कांडा की और एक सवाल आपके सामने खड़ा करेंगे, क्या इस देश के अंदर सरकार बनाना, सत्ता पाना और उसके लिए किसी भी तरीके का कैसा भी समझौता करना क्या वाकई जरूरी होता है, वो भी एक ऐसी पार्टी के द्वारा जो अपने आप को बिल्कुल अलग राजनीति की बात कभी किया करती थी, जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करती थी। इस पूरे मसले पर हम राजनीतिक मतलब क्या ये निकालने के पहले सबसे पहले हम आपको 4 अगस्त 2012 को 23 साल की एक लड़की गीतिका शर्मा का वो सुसाइड नोट हम दिखाते हैं और उसके बाद हम आगे बातचीत करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, वो लड़की लिखती है, ये उसका सुसाइड नोट है, मैं अपना जीवन खत्म कर रही हूं क्योंकि मैं अंदर से टूट चुकी हूं, मेरा विश्वास तोड़ा गया है और मुझे छला गया है। अरुणा चड्ढा और गोपाल कांडा इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये उस लड़की का सुसाइड नोट है। इसके बाद वो और लड़की लिखती है और इस ग्राफिक्स को आप पढ़ने की कोशिश करिए। वह यानी गोपाल कांडा धोखेबाज है। इन दोनों कांडा और अरुणा चड्ढा को अपने किए के लिए और मेरे परिवार पर बुरी नजर रखने के लिए सजा मिलनी ही चाहिए, ये गीतिका जो शर्मा लड़की है वो कहती है। इसके बाद आप और आगे देखिए वो लड़की क्या लिखती है। गोपाल कांडा धोखेबाज है, लड़कियों के प्रति उसकी मंशा हमेशा बुरी ही रहती है। वह ऐसा आदमी है जिसे कोई शर्म नहीं है, ना ही किसी तरीके का कोई अपराध बोध है। लड़की आगे लिखती है, मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने उन दोनों पर भरोसा किया था, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये वे लोग हैं जिन्होंने मुझे मेरी माँ, पिता और भाई से अलग कर दिया और मैं इन दोनों से नफरत करती हूँ। गीतिका शर्मा नाम की इस लड़की ने 4 अगस्त 2012 को आत्महत्या कर ली थी और आत्महत्या करने के बाद उसके पास से एक सुसाइड नोट बरामद किया गया था। उस सुसाइड नोट में गोपाल कांडा नाम के एक शख्स का जिक्र था। ये गोपाल कांडा कोई मामूली आदमी नहीं था, ये हरियाणा की सरकार में बहुत ही मजबूत, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, वो गठबंधन की सरकार थी, उसमें बहुत मजबूत मंत्री हुआ करते थे, उनका दबदबा हुआ करता था। जब ये चिट्ठी लोगों के सामने आई तो पूरे देश में एक तरीके से बहुत रोष फैला, आक्रोश हुआ, मीडिया में इसको जबरदस्त तरीके से इस खबर को चलाया गया और उसके बाद गोपाल कांडा को अपना घर, अपना इलाका छोड़कर भागना पड़ा। पुलिस उसके पीछे पीछे भाग रही थी, वो आगे आगे जा रहा था और अंत में उसको सरेंडर करना पड़ा, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन यही गोपाल कांडा जो पिछले 7 सालों से एक कह सकते हैं कि गुमनामी की दुनिया में गायब हो गया था, वो गोपाल कांडा अचानक हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं अचानक फिर सुर्खियों में आ जाता है। सुर्खियों में आने का एक बड़ा कारण ये था कि उसने विधानसभा का चुनाव जीता, वो MLA बन गया, लेकिन ये कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है अगर हरियाणा के अंदर किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाता। हरियाणा के अंदर आपको मालूम है कि वहां BJP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी लेकिन बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई, उसको सिर्फ 40 सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें मिली और JJP यानी जननायक पार्टी को 10 सीटें मिली, यानी किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं था। अब सवाल यह खड़ा हुआ कि आखिर कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि BJP के पास नंबर सबसे ज्यादा थे, BJP ने सबसे पहले कोशिश की और एक तस्वीर जिसने सबको चौंका दिया वो तस्वीर यह थी कि BJP की एक सांसद जिनका नाम है सुनीता दुग्गल एक चार्टर्ड प्लेन में गोपाल कांडा को लेकर वो दिल्ली आती हैं। दिल्ली में BJP के एक बड़े नेता से उनकी मुलाकात होती है और वहीं पर यह समझौता होता है कि आप और आपके साथ के जो तमाम निर्दलीय विधायक हैं वो हमें सपोर्ट करें सरकार बनाने के लिए। यानी 40 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, 9 विधायक निर्दलीय, जिनमें से गोपाल कांडा इन 9 विधायक का एक तरीके से केंद्र बिंदु के तौर पर उभरता है और BJP की सरकार बनाने की कोशिशों में एक तरीके से मददगार साबित होता है।
जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं उस वक्त तक बीजेपी की सरकार केंद्र वहां पे हरियाणा में नहीं बनी है, और लेकिन यह चर्चा सुबह से नहीं बल्कि कल रात से ही, जब से तस्वीर सामने आई, जब से खबर सामने आई है कि गोपाल कांडा से बीजेपी के बड़े नेता सरकार बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं, उससे डील हो रही है, उसके बाद से ऐसा लगता है जैसे सोशल मीडिया में, जैसे मीडिया में एक तहलका सा मच गया हो, एक तूफान सा आ गया हो, और यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी, जो बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और खासतौर पर हरियाणा के अंदर इस नारे को बहुत तेजी के साथ बेचा गया था, क्या वो ऐसे शख्स के साथ सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है जिसके साथ खड़े होना, जिसके साथ बैठना और जिसके साथ किसी तरीके का संपर्क करना अपने आप में शर्मनाक होगा। यह भारतीय राजनीति का एक बहुत ही खौफनाक चेहरा हमारे आराप के सामने आया, और इस खौफनाक चेहरे के बाद से एक सवाल खड़ा हो गया, क्या राजनीति से नैतिकता पूरी तरीके से खत्म हो गई है? क्या सरकार बनाना एकमात्र मकसद और ध्येय रह गया है? क्या बीजेपी सरकार बनाने के लिए गोपाल कांडा जैसे शख्स के साथ, जिसके ऊपर न केवल एक लड़की के ऊपर यातना करने, बल्कि पुलिस ने जब चार्जशीट दाखिल की थी तो बलात्कार के आरोप लगे थे, इसके अलावा जो जिसे कहते हैं अबेटमेंट सुसाइड का आरोप लगा था, सिर्फ इस लड़की ने गोपाल कांडा की वजह सुसाइड नहीं किया बल्कि कुछ दिनों के बाद उसकी मां ने भी आत्महत्या की, और जब मां ने भी आत्महत्या की तो अपने सुसाइड नोट में उसने गोपाल कांडा का जिक्र किया था। यानी एक ही शख्स की वजह से एक ही परिवार के दो लोगों ने आत्महत्या की, दो लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए, पहले बेटी ने आत्महत्या की और उसके बाद मां ने भी आत्महत्या की। क्या उस शख्स के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहती है? यह सवाल महत्वपूर्ण है। अंत में सरकार बनती नहीं बनती है यह इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। ऐसे शख्स के साथ क्यों बातचीत होनी चाहिए? क्या ऐसा शख्स हिंदुस्तान की राजनीति का खौफनाक चेहरा नहीं है? और क्या यह इस ओर इशारा नहीं करता है कि हमारे और आपके बीच के जो राजनेता है उनके अंदर नैतिकता पूरी तरीके से खत्म हो गई है, सत्ता हथियाना एकमात्र उनका उनका मकसद रह गया है? इसलिए यह सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि आपकी कौन सी नैतिकता है, आपकी मोरालिटी क्या है, आप क्यों ऐसे शख्स के साथ आप सरकार बनाना चाहते हैं, क्यों उसके साथ सरकार बनाने की कोशिश भी करते हैं, और क्यों आप यह खुलेआम कहने के लिए तैयार नहीं है कि हम इस शख्स का से किसी भी तरीके से कोई भी समर्थन नहीं लेंगे। आज सुबह से मैं कई टीवी चैनलों में डिबेट में था इसी मसले के ऊपर, और हर जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछा गया, क्या आप यह कहने के लिए तैयार हैं कि आप इस शख्स का समर्थन नहीं लेंगे सरकार बनाने के लिए? एक भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने टेलीविजन चैनल पर आकर या टेलीविजन चैनल के बाहर ऐसा कोई बयान देने से इनकार कर दिया, साफ तौर पर कर दिया। जब उनसे यह पूछा गया, मैंने खुद यह सवाल पूछा कि आपकी गोपाल कांडा के बारे में राय क्या है, तब भी बीजेपी के प्रवक्ताओं ने उस पर कोई राय देने से मना कर दिया। और एक प्रवक्ता ने तो यह भी कहा कि हम पार्टी के प्रवक्ता हैं और हमारी एक सीमा एक तरीके से होती है, बड़े फैसले जो हैं वो पार्टी के आलाकमान करते हैं, पार्टी के बड़े नेता करते हैं, तो ऐसे में सवाल और वो सोच समझकर ही कोई फैसला इस बारे में करेंगे। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि बीजेपी की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, बाकी बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से बार बार यह कहा जाता है कि वो किसी तरीके के अपराधी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, किसी तरीके के अपराध के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। तो क्या गोपाल कांडा, जिनका मुकदमा अभी भी अदालत के अंदर चल रहा है, वो इस शख्स के बारे में यह कहने के लिए तैयार नहीं है? क्या यह कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जैसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा है? क्या यह धारा 370 जैसा बड़ा मुद्दा है कि आपको इस बारे में सोचने के लिए कि गोपाल कांडा सही आदमी या सही आदमी नहीं है, या उसकी मदद से सरकार बनानी है या नहीं बनानी है, इस बारे में आपको 36 घंटे से ज्यादा का वक्त चाहिए? यह क्या साबित करता है? यह यही साबित करता है कि आज की तारीख में राजनीति में सब कुछ जायज है। अगर आप एमएलए हैं, अगर आप एमपी बन गए हैं, तो फिर आपके सारे गुनाह माफ हैं। आप अगर सरकार बनाने में मदद कर सकते हैं तो राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वो उसका समर्थन लेने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकते हैं। यह बात मैं थोड़े गुस्से में कह रहा हूं, थोड़े आक्रोश में कह रहा हूं, लेकिन एक बार जरा इसको सोच कर देखिएगा, अगर यह लड़की हमारे और आपके परिवार की होती तो आप कैसा महसूस करते? क्या आपको गुस्सा नहीं आता? क्या आप आग बबूला नहीं होते? और क्या आप गुस्से से पागल नहीं हो जाते कि किस तरीके की राजनीति इस देश के अंदर हो गई है? और यह बात
मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी है जो एक जमाने में चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती थी। और मैं आपको थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा, आज से करीब 16 साल पहले यह वाकया है। आज तक में तब मैं वरिष्ठ पद पे बैठा था, वहां पे एक वरिष्ठ पत्रकार के हैसियत से था, और मुझे याद पड़ता है डीपी यादव का। डीपी यादव जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता माने जाते थे, उनके ऊपर आरोप लगा था कि नीतीश कटारा नाम का एक लड़का था जो उनकी लड़की से उसका 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 प्रेम हुआ था और बाद में नीतीश कटारा का मर्डर हो जाता है। उस मर्डर में डीपी यादव और उनके बेटों का नाम सामने आता है, और न केवल नाम सामने आता है बल्कि और तमाम तरीके की बातें सामने आती हैं। उसके बाद मीडिया में यह खबर बहुत तेजी के साथ चलती है, सुर्खियां बनती हैं, और एक तरीके से मीडिया के अंदर एक कैंपेन चलता है, और अंत में नीतीश कटारा का मामला अदालत के पास जाता है और मुकदमा चलता है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डीपी यादव को पार्टी में शामिल करने की बात होती है। डीपी यादव को पार्टी में शामिल भी कर लिया जाता है, लेकिन उन दिनों आज तक पर एक खबर चली थी जिसकी हेडलाइन मैंने खुद लिखी थी, और हेडलाइन थी बीजेपी ने बदला चाल चरित्र और चेहरा, डीपी यादव को किया पार्टी में शामिल। और आपको जानकर हैरानी होगी, इस खबर के चलने और इस हेडलाइन के बनने के कुछ घंटों के बाद ही जिन डीपी यादव को पार्टी में शामिल कर लिया गया था उनको डीपी यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, बाहर निकाल दिया उनको। ये एक दूसरे तरीके की बीजेपी थी। उन दिनों अटल बिहारी वाजपेयी लालकृष्ण आडवाणी की बीजेपी हुआ करती थी। लालकृष्ण आडवाणी का एक किस्सा मैं और आपको बताना चाहूंगा कि जैन हवाला का मामला था, 1994-95 की बात है। जैन हवाला डायरी एक बहुत ही मशहूर स्कैम इस देश के अंदर हुआ था। उस जैन हवाला डायरी में लालकृष्ण आडवाणी का नाम था कि उन्होंने कुछ पैसे चंदे लिए थे। बहुत सारे राजनीतिक दलों के तमाम बड़े नेताओं के नाम उसमें आए थे, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी ने फौरन अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त तो प्रधानमंत्री बनने की रेस में थे एक तरीके से कहा जा सकता है, और उन्होंने कहा था कि जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं दोबारा संसद में दाखिल नहीं होऊंगा। ये एक दूसरे तरीके की बीजेपी का चेहरा सामने आता है, और आज 2019 की बीजेपी है, 2018 की बीजेपी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है, जिसमें गोपाल कांडा से बात की जा रही है, उनको स्पेशल चार्टर्ड प्लेन में बिठा के हरियाणा से दिल्ली लाया जाता है, उनके साथ बातचीत की जाती है कि सरकार को कैसे बनाना है और आप कैसे बाकी निर्दलियों का समर्थन हमारे लिए जुटा सकते हैं। और यह अकेला मामला नहीं है। अगर हाल के दिनों के अंदर अगर मैं आपको जिक्र करूं तो आपको मैं बताना चाहूंगा, गोवा में एक विधायक है जिनका नाम है बाबूस मोनशरात। बाबूस मोनशरात के ऊपर एक बच्ची के साथ, एक लड़की के साथ बलात्कार का आरोप लगा, और बाबूस मोनशरात जो है एक इंडिपेंडेंट विधायक के तौर पर चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए। बीजेपी ने उनके खिलाफ कैंपेन किया, उनको बलात्कारी बताया, और कुछ दिनों के बाद आपने देखा कि वो बाबूस मोनशरात समेत कांग्रेस के तमाम विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो क्या बीजेपी में शामिल होते ही बाबूस मोनशरात के सारे अपराध गायब हो गए? और आपके एक और नाम आपको याद होगा, कुलदीप सेंगर का, जो उत्तर प्रदेश के विधायक थे, बीजेपी के बड़े नेता माने जाते थे, पावरफुल नेता माने जाते थे, उनके ऊपर भी एक लड़की ने इसी तरीके के आरोप लगाए। वो बहुत ही सेंसेशनल मामला हुआ था, आपको ज्यादा उसमें डिटेल बताने की जरूरत नहीं, लेकिन यह देखने में आया कि अंतिम समय तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुलदीप सेंगर के खिलाफ कार्रवाई करने से मना कर दिया। मामला अदालत के अंदर गया, अदालत के अंदर उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जब मामला और गंभीर हो गया, जब लगा कि बहुत ज्यादा छवि खराब हो जाएगी पार्टी की, और हाईकोर्ट में मामला था, सीबीआई को मामला सौंपा गया, तब सीबीआई ने उन्हीं कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार करने का काम किया। आज तक वो जेल से रिहा नहीं हो पाए हैं। ये कुलदीप सेंगर को
क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार बचाने का प्रयास कर रही थी। और अभी हाल में चिन्मयानंद, स्वामी चिन्मयानंद का मामला आपके सामने है, इनके ऊपर भी इसी तरीके के आरोप लगे हैं। एक लड़की ने आरोप लगाया है, ये वही चिन्मयानंद हैं जिनको उत्तर प्रदेश की बीजेपी में वरिष्ठ पदों पर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, इनके ऊपर आज से करीब 10-15 साल पहले बलात्कार के आरोप लगे थे। उस बलात्कार के आरोप को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार अदालत में अर्जी देती है और अदालत कहती है इनके खिलाफ प्राइमा फेसाई एविडेंसेस हैं, फिलहाल मुकदमा चलेगा। जब जबरदस्त प्रेशर पड़ता है तब जाके चिन्मयानंद को भी गिरफ्तार किया जाता है। ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं कि चाहे बाबूस मुंशरात का मामला हो, चाहे कुलदीप सेंगर का मामला हो, चाहे चिन्मयानंद का मामला हो, मैं ये नहीं कहता कि ये लोग, अभी चूंकि मामला अदालत के अंदर चल रहा है तो मैं इनको आरोपी ही मान के चल रहा हूं, लेकिन जिस तरीके के जघन्य अपराध का आरोप इनके ऊपर लगे हैं, ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई पार्टी की तरफ से होनी चाहिए, ऐसे लोगों से किनारा करने का प्रयास करना चाहिए, और अगर अदालत से बाइज्जत बरी हो जाते हैं तो उनको दोबारा पार्टी में शामिल कर लेने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब संविधान को मानते हैं। लेकिन जब तक इतने गंभीर आरोप लगते रहें तब तक अगर आप उनको बचाने का प्रयास करें, उनके साथ आप सरकार बनाने का प्रयास करें, तो एक ही चीज समझ में आती है कि सरकार बनाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, और यही आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इसीलिए मैं आज थोड़ा आक्रोश में भी हूं और मैं थोड़ा गुस्से में भी हूं। यह बात सच है कि राजनीति के अंदर तमाम तरीके के जघन्य आरोप लगते हैं, लेकिन यह भी सच है कि हर आदमी को पता होता है कौन आरोप सच्चे हैं और कौन आरोप गलत हैं। बहुत सारे राजनीतिज्ञों के ऊपर आरोप लगते हैं लेकिन उनको कोई अपराधी मानने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि राजनीति में मोटिवेटेड तरीके से या विपक्षी पार्टियां या विरोधी जो हैं वो इस तरीके के मोटिवेटेड केसेस बना के झूठे आरोप लगा के फंसाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये सबको पता होता। इसी के साथ साथ एक दूसरा पहलू भी हमारी राजनीति का, कि आखिर गोपाल कांडा जैसे लोग जब वो चुनाव में खड़े होते हैं तो जनता उनको क्यों चुनती है? क्या जनता को उनके चरित्र के बारे में जानकारी नहीं होती? और क्या जनता वहां के लोग जब उनको वोट देने जाते हैं तो वो किस मकसद से वोट देने जाते हैं? क्या उनको यह बात समझ में नहीं आती कि ऐसा आदमी जिसके ऊपर इतने जघन्य आरोप लगे हुए हैं अगर दोबारा चुन लिया गया, दोबारा विधायक एमपी बन गया तो मंत्री भी बनेगा, और क्या ऐसे आदमी को विधानसभा या लोकसभा में रहना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की अपनी नैतिकता कहां है, वो क्यों ऐसे लोगों के खिलाफ वोट देते हैं? क्योंकि आज बीजेपी की तरफ से एक तर्क दिया गया कि हम क्या करें, वो तो चुनाव लड़ा, एक दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा, उसको लोगों ने वोट दिया, वोट देने के बाद वो चुन लिया जाता है और चुनने के बाद वो एमएलए एमपी बन जाता है, तो कल अगर विधानसभा के अंदर वोट पड़ा, अगर वो हमारी पार्टी को, हमारी सरकार को समर्थन देगा तो क्या हम उसका हाथ रोक लेंगे? तो यहां सवाल दो है। पहला सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और दूसरी राजनीतिक पार्टी, मैं कांग्रेस को भी इसमें लपेटता हूं, क्या दूसरी राजनीतिक पार्टियां, क्या उनके अंदर यह नैतिक साहस नहीं है कि वो खुलकर कह सके हमें ऐसे आदमी का समर्थन नहीं चाहिए, हमारी सरकार बने या ना बने, यह नैतिक साहस क्यों नहीं है? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा गांधी जी का चौरी चौरा कांड हुआ था 1920-21 के आसपास, और चौरी चौरा कांड के दौरान एक पुलिस चौकी को आंदोलनकारियों ने फूंक दिया था, उसमें कई पुलिस वालों की जाने गई थी, और गांधी जी ने कहा कि हम अहिंसा की बात करते हैं, और अहिंसा की बात करते हैं, अगर उसमें हिंसा होती है तो यह हमारे उसूलों के खिलाफ है, यह हमारे आंदोलन के खिलाफ है। उन्होंने उस आंदोलन को वापस लेने का काम किया, लोगों ने गांधी जी को बहुत समझाया कि आंदोलन में इस तरीके की बात होती है, गांधी जी ने कहा आंदोलनों में इस तरीके की बात होती हो, लेकिन अगर मेरे उसूलों के हिसाब से, अगर मेरे अहिंसा के हिसाब से अगर आंदोलन नहीं चल सकता है तो मैं ऐसे किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं लूंगा, और उन्होंने अपने आप को आंदोलन से पूरी तरीके से विड्रॉ कर लिया। बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि गांधी जी का राजनीतिक जीवन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, लेकिन गांधी जी का राजनीतिक जीवन खत्म नहीं हुआ। लोगों की बात समझ में आई, लोगों का यकीन गांधी जी में बढ़ा। तो अगर गांधी जी ये फैसला आज से तकरीबन 100 साल पहले कर सकते थे तो आज के राजनेता, आज के राजनीतिक दल, आज के वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए लोग ये दो टूक
शब्द क्यों नहीं कह सकते? क्यों 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीजेपी ले रही है या उनके नेता ले रहे हैं यह कहने में कि हमें गोपाल कांडा का समर्थन नहीं चाहिए? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसे शख्स को राजनीति में प्रवेश करने न कर पाए इसके लिए कानून बनना चाहिए, बिल्कुल कानून बनना चाहिए। हो सकता है राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरियां हो सकता है विधायकों सांसदों की अपनी मजबूरियां हो, उनको यह लग रहा होगा कि उनके खिलाफ अगर झूठे आरोप लगा के उनका राजनीतिक जीवन बर्बाद किया जा सकता है, लेकिन सिविल सोसाइटी, देश की जनता, आम लोग ये जरूर चाहेंगे कि इस तरीके के लोग राजनीति में प्रवेश ना कर पाए, उनके लिए सारे दरवाजे बंद हों, वो विधानसभा में, लोकसभा के अंदर उनकी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। और अगर इस तरीके का आरोप अगर उनके ऊपर लगता है, अगर पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, और ये तो अत्यंत हीनियस क्राइम है, एक भयानक क्राइम है, जहां लड़की ने खुद अपने सुसाइड नोट में इस शख्स का नाम लिखा है जिसके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, ये बिल्कुल ये भी सच्चाई है कि हाईकोर्ट में उनके ऊपर बलात्कार का जो आरोप लगा था वो चार्जेस में फ्रेम में नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद जो आरोप है वो अत्यंत गंभीर आरोप हैं। और इन गंभीर आरोपों की रोशनी में ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि आखिर आज की बीजेपी की नैतिकता कहां है? क्या उसके लिए सरकार बनाना, सरकार बचाना उसकी प्राथमिकता है, या देश में कि तमाम लड़कियों को, परिवारों को यह संदेश देना है कि वैसे किसी भी शख्स के साथ किसी तरीके का मेलजोल या दोस्ती नहीं रख सकते हैं? लेकिन माफ करिएगा, बीजेपी और आज की बीजेपी जिसके पास 303 सांसद लोकसभा के अंदर है और एक दर्जन से ज्यादा राज्यों में उसकी सरकार है, और वो आरएसएस जो उसकी मात्र संस्था है, जो चरित्र निर्माण की बात करती है, जो व्यक्ति निर्माण की बात करती है, जो राजनीति और समाज के अंदर नैतिकता की बात करती है, उससे निकले हुए लोगों के अंदर यह नैतिक साहस नहीं है कि वह कह सकें कि हमें गोपाल कांडा का समर्थन नहीं चाहिए, वो अगर समर्थन देता है तो भी हमें समर्थन नहीं चाहिए। और मैं उन तमाम लोगों को भी धिक्कारता हूं जिन्होंने गोपाल कांडा को चुनाव में वोट देकर उसको विधायक बनाने का भी काम किया है। तो ये बात मुझे आपके सामने रखनी थी, मैंने आपके सामने रखी है थोड़े गुस्से में, थोड़े आक्रोश में, लेकिन आप मेरा दर्द और अपना मेरा गुस्सा आप जरूर समझ रहे होंगे। और अंत में मैं एक छोटी सी अपील आपके सामने जो बार बार करता हूं कि आप सत्यहिंदी.com जो सच्चाई आपके सामने रखता है, इसका साहस मुझे आपसे मिलता है, इसलिए आप हमें ज़रूर, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारा जो फेसबुक पेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और फॉलो करें, और सत्यहिंदी.com में विजिट करें और हमारी स्टोरीज को शेयर करें। इतना करेंगे तो हमें सच कहने का साहस बना रहेगा, गोपाल कांडा को जैसे लोगों को राजनीति में रेलिवेंट बनाने की जो कोशिश होती है वो सच कहने का मादा हमारे अंदर बना रहेगा अगर आपका ये प्रेम और साहस हमारे मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।